आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी वेस्ट असेंबली में AIMIM ने बाइखला से पैराशूट के जरिए भिवंडी की लावारिस सरजमीन पर वारिस पठान को भेज दिया। शायद इसलिए कि भिवंडी में ऐसा कोई मोतबर शख्स इन्हें नजर ही नहीं आया जिन्हें वो टिकट दे देते। वैसे टिकट की लाइन में शहर के कई ऐसे लोगों को भी देखा गया जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए थे। भिवंडी का नंबर वन SPC इंटरनेट सर्विस अब आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर, फाइबर प्रोवाइडेड टू ऑल भिवंडी, 3 महीने का 75 MBPS अब सिर्फ 1599 रुपए में। और अगर आप 1 साल का प्लान लेते हैं तो आपको मिलेगा 4799 रुपए में, और साथ में आपको मिलता है जिपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज न्यू वाईफाई राउटर। और अगर आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का सेम प्लान फ्री। तो जल्दी कीजिए, फिर मैं कहना हमें खबर ना थी। एड्रेस SPC इंटरनेट सर्विस, खिदरा रोड, खिदरा मस्जिद के सामने। अगर इनमें से किसी को टिकट दे देते तो शायद आज वो शख्स अपनी पार्टी को छोड़कर AIMIM के बैनर तले इलेक्शन लड़ता। मगर इन्हें भाईखले से हारा हुआ कैंडिडेट ही पसंद आया तो क्या करते। ये पहला मौका ऐसा आया है जब AIMIM के बाहरी उम्मीदवार के लिए इतनी पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसलिए एक ही हफ्ते में दोनों भाई भिवंडी के सरजमीन पर पहुंच गए, और आने वाले दिनों में हो सकता है ये किसी बड़े मौलाना या उलमाओं को भी आवाम के सामने पेश कर दे। असदुद्दीन अवैसी की तकरीर में कोई ऐसा राग दिखा नहीं, वही पुराना राग सुनने को मिला, वही अलाप, वही सुर, वही मोदी को टारगेट करना, वही अमित शाह का ढोल बजाना। इसके अलावा उन्होंने भिवंडी के असल मुद्दे पर बात तक नहीं की, और अगर बात की भी है तो वही पुराने घसीट पीटे मुद्दे जो आज कई इलेक्शन से घिसते आ रहे हैं। मंगल बाजार स्लैब एकता होटल के पास हुए प्रोग्राम में नुक्ता चीनी वाले वीडियो के बाद इस प्रोग्राम में उन तमाम बातों का ख्याल रखा गया। अवैसी साहब ने बार बार वारिस पठान का नाम भी लिया, हाथ भी मिलाया, और सबसे बड़ी बात है प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद हार को कबूल किया।